कोचिंग में अपना सिक्का जमा चुके चाणक्य द गुरु संस्थान अब स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएंगे। चाणक्य द गुरु संस्थान इंस वैली स्कूल अनु में बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को शिक्षित करेंगे और साथ ही बच्चों को हायर लेवल के टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, जहाँ पर बच्चों को प्रवेश लेने के लिए प्री परीक्षा को पास करना पड़ेगा। कोचिंग में अपना सिक्का जमा चुके चाणक्य द गुरु संस्थान अब स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएंगे। चाणक्य द गुरु संस्थान इंडस वैली स्कूल अणु में बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक छात्रों को शिक्षित करेंगे और साथ ही बच्चों को हायर लेवल के टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। बच्चों को यहां पर प्रवेश लेने के लिए प्री परीक्षा को पास करना पड़ेगा। वहीं जमा एक व जमा दो के छात्रों के लिए विज्ञान संख्या के विषयों में ही शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही चाणक्य संस्थान द्वारा इंडस वैली स्कूल में शहीदों मेरिटोरियस व IRDP के बच्चों को जो कि परीक्षा में प्रवेश परीक्षा को पास करेंगे उनको संस्थान द्वारा फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी। चाणक्य द गुरु संस्थान के प्रबंधक नवनीत शर्मा ने बताया कि चाणक्य संस्थान द्वारा संस्थान इंडस वैली स्कूल अणु में बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक शिक्षित करेंगे और साथ ही बच्चों को हायर लेवल के टेस्ट ओलम्पियाड और KBPY के साथ JEE नीट और NDA की भी तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आई विल स्टार्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, पहले यहाँ चाणक्य डायरेक्टर चाणक्य द गुरु, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हमीरपुर और हिमाचल निकल से। तो आज थोड़ा सा हम एक एजुकेशन के ऊपर ही बात करना चाह रहे थे, दैट्स व्हाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने इनवाइट किया कि प्रेस से जितने भी लोग हैं हमारे, वो हमारे मैसेज को जो है जितना फर्देस्ट हो सकता है उसको पहुंचाएं। तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी चीज़ रहता है कि चाणक्य बेसिकली 2001 से ऑपरेशन में है कोचिंग की फील्ड में। कोचिंग हम जो डील करते हैं वो इंजीनियरिंग का है, जितने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं आफ्टर 10th क्लास और NDA डिफेंस फोर्सेस रिलेटेड। इसके साथ एक बेसिकली काफ़ी टाइम से हमारे साथ जो है वो एक क्वेरी आ रही थी कि हम स्कूलिंग में ज़्यादा बिकॉज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो बच्चे नॉर्मली हमारे पास बहुत डिफरेंट स्कूल से एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आते हैं और ऑल हिमाचल आते हैं। तो बच्चों की और पेरेंट्स की क्वेरी को देखते हुए, बिकॉज इसमें आप हमारा काफ़ी लंबा रिसर्च वर्क है एजुकेशन की फील्ड में भी, कि क्या कमियां हमें लगता है कि जब बच्चे कोचिंग में हमारे पास आते हैं तो किन कमियों के साथ आते हैं, उन कमियों को बहुत ही क्लोजली हम रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे जो है देन हम वन बाई वन उनको एलिमिनेशन की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो फैकल्टी है वो भी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करती है, बिकॉज फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो हमारा रहता है वो थोड़ा अनट्रेडिशनल है लाइक दैट ऑफ दी नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें जो भी जिसमें भी टीचिंग का फेयर होता है हम उसी को इनवाइट करते हैं कि जो है वो टीचिंग में जो आदमी बेटर अपने आप को महसूस करता है कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, वेदर दे आर रिलेटेड टू द टीचिंग डिग्री और नॉट। तो चाहे वो इंजीनियरिंग से हों, NIT से हों, IIT से हों, डॉक्टर्स हों, ऑल आर इन्वाइटेड टू टीचर चाणक्य। सो हमने बहुत सारा क्लोजली रिव्यू किया, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट स्कूलों से बच्चे हमारे पास आते हैं कि किन कमियों के साथ आ रहे हैं और उनकी एलिमिनेशन कैसे हो सकता है। तो उसके बेसिस पे जो है हमने कुछ पॉइंट एजेंडा जो है वो देखा, तो हमने देखा कि बहुत कॉमन से एरर्स हैं जिनके ऊपर जो है प्रॉब्लम आती है और जो नॉर्मल स्कूल्स या बहुत सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं लैग करते हैं। तो बेसिकली फिर हमने देखा कि वाई नॉट डू, हम इसमें क्यों इंटरवीन ना करें और उसके ऊपर क्यों वर्कआउट ना करें अपार्ट फ्रॉम दिस। मैं बहुत टाइम से एक अपॉर्चुनिटी के उसमें भी थे कि हम किसी भी तरीके से, क्योंकि लोग भी हमें पब्लिक हमेशा कहती रहती है कि सर कोचिंग में अच्छा कर रहे हैं तो वाई नॉट टू डू विद द स्कूलिंग। भाई
से मैंने लेवल टेस्ट किया तो लेवल टेस्ट उसका भी होना बच्चे का। अगर मुझे लगता है कि जो बच्चे का लेवल ही उतना नहीं है तो हम पेरेंट को काउंसलिंग करेंगे कि इसको हमारे इसमें स्कूल में या वेंचर में आप टेकअप करें या नहीं करें। दैट विल डिपेंड अपॉन द लेवल टेस्ट, पहला चीज वो होगा। सेकेंड इज कि हमने एक कॉमन परसेंटेज फिक्स कर देंगे कि इतना तो रिबेट रहेगा कोई भी IRTP BPL आएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।